हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि मैंने आपसे शेयर किया था पिछले व्लॉग में कि हम लोग जा रहे हैं वेकेशन पे, तो आ चुके हैं एयरपोर्ट। हमारी जो फ्लाइट है वो 12 बजे की है, पर बैंगलोर एयरपोर्ट आपको पता है हमारे घर से बहुत बहुत दूर है, तो हम लोग 9 बजे ही एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। और नीबू की होने से एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है कि हमें हर कुछ प्रायोरिटी भी मिली है, तो चेक इन जो हमारा बहुत ही स्मूथली हो गया, फटाफट मतलब लाइन से हटके हमारा हो गया। तो काम जो है वो 5 मिनट का था। उसके बाद नीव का फीडिंग टाइम था, उसको फीड कराया, अंगद अभी उसको घुमा के बर्फ करवा रहा है। अभी और 3 घंटे हमारे पास हैं, तो हम नाश्ता वगैरह करेंगे और फिर जाएंगे फ्लाइट पे। तो पहला फ्लाइट एक्सपीरियंस है नीबू का, कैसा होने वाला है, लेट्स सी। एंड एक चीज और अच्छी हो रही है कि हम लोग आए हैं बैंगलोर के टर्मिनल 2 पे, तो एक्चुअली ये नया बना है ये वाला टर्मिनल और बहुत ही खूबसूरत है, तो वो भी मजा आ रहा है। अभी कैसा एक्सपीरियंस फ्लाइट का रहता है, क्या होता है नहीं होता है, लेट्स सी। हमने नीबू के लिए स्पेशली बैसिनेट बोला हुआ है ताकि वो अगर सोए तो हम उसको बैसिनेट पे सुला सके, पर क्या वो सोएगा क्या करेगा पता नहीं। तो हमारा सिक्योरिटी चेक वगैरह सब कुछ हो गया और फटाफट हम लोग आ गए एक रेस्टोरेंट में करने के लिए नाश्ता। हमने इडली और डोसा वगैरह ऑर्डर किया है, वो खाएंगे। नीव अभी खेल रहा है, कैसे भी करके हमें इसको अभी 1.5 घंटे जगाना है ताकि फ्लाइट पे सो जाए। हमारा मेन प्लान ही वही है कि सोए तो फ्लाइट पे सोए, उससे पहले डायपर चेंज करना है और एक बार फीड भी करवानी है। तो मतलब एंजॉय भी कर रहे हैं, घूमने भी निकले और बैकअप पॉइंट में नीव का जो रूटीन है वो भी चल रहा है, तो साथ साथ में दोनों चलाएंगे, लेट्स सी कैसा रहता है। आज बेबी नीबू की वजह से काफ़ी कुछ प्रिविलेजेस मिले, सब जगह पे प्रायोरिटी चेक इन मिला, इमिग्रेशन में भी एकदम जो सीनियर पर्सन जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रहते हैं उनकी क्यू में भेज दिया ताकि फास्ट रहे हमारे लिए। इधर देखो, इसको सब तरफ देख के ही मजा आ गया। हाँ मजा आ गया उसको। नीबू का जो ड्रेस है ना, आप लोगों ने पता नहीं देखा कि नहीं देखा, उसमें बनी हुई है हेलीकॉप्टर प्लेन। तो आज नीबू फर्स्ट फ्लाइट ले रहा है, फ्लाइट बनी हुई है, ये थीम पहनी हुई एकदम। ये जगह नीबू को बहुत पसंद आ गई, यहाँ पे इतने सारे डॉल्स हैं, फुल ऑफ डॉल्स, उसका ध्यान उधर ही है नीबू। मजा आ गया, कलर से इतनी सारी डॉल्स है, मजा ही आ गया भाई। जा रहे हैं नीबू का डायपर चेंज करने के लिए। चलो, यहाँ पे नीबू का डायपर चेंज हो जा रहा है, तो एक डायपर का मैं मैट लेकर आई हूँ जो मतलब बैग के साथ में आया था हमारे, वो उसमें डाल दिया, तो बेबी को उसमें लिटा दिया एंड डायपर चेंज कर दिया। पहुंच गए हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे। तो हम लोग कहाँ आए हैं घूमने के लिए, अब चलिए ये बताती हूँ, पर अकेले नहीं बताऊंगी, अंगद के साथ बताऊंगी। अंगद वहाँ पे नीबू को स्ट्रॉलर पे डाल रहा है, क्योंकि ये एयरपोर्ट भी इतना बड़ा है ना कि हम लोग ने सोचा कि पहले ये एयरपोर्ट घुमा जाए। ये आई गेस वर्ल्ड का सबसे बड़ा और सबसे सुंदर एयरपोर्ट में से आता है, और नीबू को वहाँ पे हम लोग सेट कर रहे हैं। तो नीबू के साथ फ्लाइट एक्सपीरियंस कैसा रहा पहले वो बता देती हूँ। तो मैंने आपको थोड़ा बहुत झलक दिखाया ही, तो हमने इसको जैसे मैंने कहा था फीड जो है वो फ्लाइट शुरू होने से पहले कर लेंगे, मतलब हमने इसको फीड जो है वो एयरपोर्ट पे कर लिया, बाद में हमने इसको पैसिफायर डाल दिया। तो टेक ऑफ के टाइम पे पैसिफायर में ये था, ये सो गया 20-25 मिनट के लिए, उसके बाद ये उठ गया, कुछ देर खेला,
उसके बाद फिर कुछ देर सो गया, फिर लैंडिंग के टाइम पे ये सो गया, तो फिर हमने पैसिफायर डाल दिया, तो ये परेशान नहीं हुआ ना इसने हमें परेशान किया। तो हम लोग ने कहाँ आए हैं ये मैं अब रिवील करने जा रही हूँ। yes. सोचा हम दोनों साथ में रिवील करते हैं। yes. ये पेंडिंग था बहुत टाइम से, क्योंकि 2020 में हम आने वाले थे और हमारा कैंसिल हो गया था पूरा उस टाइम पे, कोविड के टाइम कैंसिल हो गया। काफी लोग जो पुराने फॉलोवर्स थे उनको शायद अब आईडिया लग चुका है। हमारी बुकिंग डन थी, हमें वापस से पता है पैसे वापस लेने पड़े थे, हमने सब कुछ डन रखा था और जाने वाले थे। खैर एनीवेज हम लोग आए हैं, वी आर इन सिंगापुर। फैमिली ऑफ थ्री, हमारी ये फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप है, सो एक्साइटेड। तो जो सबसे टेंशन वाला पार्ट था वो यही था कि फ्लाइट में नीव कैसा बिहेव करेगा, हम कैसे हैंडल करेंगे, पर टचूड एक बार भी रोया नहीं है, आराम से बैसिनेट पे लेटता खेलता आया। तो चलिए अभी सिंगापुर टाइम के हिसाब से कितने बज रहे होंगे, 6-7? अबाउट 7, हाँ 7 बज रहे हैं शाम के। हाँ शाम के, तो हम लोग यहाँ थोड़ी देर घूमेंगे, पहले नीव का डायपर चेंज करेंगे, घूमेंगे, कुछ खाएंगे और फिर जाएंगे जहाँ रुकने वाले हैं। जहाँ रुकने वाले हैं वो भी दिखाऊंगी आपको। बहुत 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 एक्साइटमेंट हो रही है मुझे। सबसे पहले हम लोग अगेन आ गए हैं फैमिली रूम में, जहाँ पे नीव का डायपर चेंज होगा, है ना नीवू? पहुंच गए अपार्टमेंट में जहाँ पे हम रहने वाले हैं पूरे एक हफ्ता। तो हमने कोई होटल बुक नहीं किया, कोई एयरबीएनबी बुक नहीं किया, हमने किया है एयरबीएनबी टाइप का, नहीं बोल सकते ना अंगद, ही अलग ही इसकी बुकिंग होती है ना, वेबसाइट के थ्रू ही किया है, रेसिडेंशियल अपार्टमेंट डायरेक्टली उन्हीं का वेबसाइट उनके थ्रू ही किया है। तो बेसिकली ये एक अपार्टमेंट है जहाँ पे सर्विस अपार्टमेंट है, तो मतलब जहाँ पे लॉन्ड्री हो गई या फिर वॉशिंग है, क्लीनिंग है, ये वो लोग देखेंगे, सुबह का नाश्ता वो लोग देंगे। तो दुबई में जो हम रुके थे वो वाला प्रॉपर एयरबीएनबी था, तो उसमें आपको ही सब कुछ करना है, इसमें ये सर्विस ये लोग प्रोवाइड करते हैं। एंड बहुत अच्छा लगा, नीचे हम लोग कैब से आए तो ट्रॉली थी, तो बंदा जो है रिसेप्शन में वो आ गया, लगेज उसने उठा लिया, तो मतलब सब कुछ अच्छा लगा, अपार्टमेंट बहुत अच्छा लगा। मैं आपको अभी रूम टूर देती हूँ, मतलब होम टूर देती हूँ एक्चुअली कि कैसा है। बाकी अभी बज रहे हैं, कितना बज रहा है सिंगापुर के टाइम के हिसाब से? 9:30, 9:30 बज रहे हैं अभी। और तो हमारा तो टाइम गड़बड़ हो गया है, क्योंकि इंडिया टाइम और सिंगापुर टाइम अलग अलग है, तो नीव का रूटीन उस हिसाब से जो है अलग अलग हो गया है। वो उठ अलग टाइम पे रहा है, दूध अलग टाइम पे पी रहा है, तो देखते हैं कैसे एडजस्ट करेंगे, क्या करेंगे, नहीं होगा जो होगा, कहाँ कहाँ घूमेंगे, क्या क्या प्लान है, वो तो आगे देखोगे। पर पहले चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अपार्टमेंट कैसा है। चलिए तो यहाँ से मेन डोर है, यहाँ से एंट्री होती है, एंटर होते ही इस तरफ में आता है वॉशरूम, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा ही है। और ये है सर्विस्ड अपार्टमेंट, तो यहाँ पे सारी सर्विस मिलेगी, मतलब क्लीनिंग वगैरह जो है ये वो लोग करके देंगे, सुबह का ब्रेकफास्ट मिलेगा, लॉन्ड्री सर्विस है, सब कुछ है, क्योंकि है ये सर्विस्ड अपार्टमेंट। ओके, उसके बाद यहाँ पे अंदर आने के बाद में है किचनेट, तो नीव के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो ये तो भैया चाहिए ही चाहिए। अगर बड़ी फैमिली है और आप दो अपार्टमेंट लेते हो ना, तो ये बीच का गेट आप खोल सकते हो, तो पूरा जो है आपका हो जाएगा दोनों मिलकर के। यहाँ पे आ गया सोफा, और सोफा के सामने है टीवी, तो ये भी बहुत प्यारा सा कोजी सा है। तो यहाँ पे नाश्ता बनेगा, यहाँ पे आप नाश्ता खा सकते हो। अभी हमने लगेज यहाँ पे रख दिया है। हाय नीवू, कहाँ गया है? नीव तो बड़ा एंजॉय कर रहा है भाई, बहुत एंजॉय कर रहा है। तो ये है हमारा बेडरूम, इसके साथ में यहाँ पे है पूरा वार्डरोब। एंड हमने रिक्वेस्ट किया था नीव के लिए एक कॉट अरेंज करके देने के लिए, पर इन्होंने प्लेपेन अरेंज कर दिया है, मुझे लग रहा है ना, कॉट तो क्या ही बोलेंगे इसको, है ना, ये तो प्लेपेन है। ठीक है, तो ये नीव के लिए यहाँ पे है, तो बहुत अच्छा है। नीवू हेलो, हाय। आज नीव जब जब सो के उठा है तब लोकेशन चेंज हो जा रहा है, फ्लाइट से उठा तो एयरपोर्ट, एयरपोर्ट में थोड़ी देर बाद खेल कूद के सोया, तो कैब के बाद सीधा
होटल नहीं अपार्टमेंट। हाँ तो यहाँ पे भी टीवी है, यहाँ पे लगेज हमने रख दिया है और यहाँ पे बालकनी नहीं है पर दो यहाँ पे विंडो दी हुई है और व्यू बहुत अमेजिंग है। जस्ट यहाँ सामने नोवेटल है तो ये जो एरिया है ना बहुत ही अच्छा लोकेशन है यहाँ पे, एकदम सिटी के बीच में हमने लिया है। और अंगद कर रहा है अभी खाना ऑर्डर। हाँ क्या खाना है वो डिसाइड करना, तो क्या सब है वो बताइए। तुम यहाँ पर सिंगापुर लोकल फूड खाना चाहते तो वो भी है, इंडियन भी है, बर्गर पिज्जास भी है, जो भी चाहिए वो। मैं तो इंडियन आज खाना चाहूंगी, अभी फिलहाल नहीं करते हैं कुछ ज्यादा एक्सप्लोर। और नीबू का आज कैसा मूड है भाई, तो बहुत खेल रहा है, बहुत एंजॉय कर रहा है, एयरपोर्ट में तो देख करके इसको मजा ही आ गया, वाटरफॉल वगैरह। एनीवेज हाँ तो दो टीवी है विच इज गुड, मतलब बहुत अच्छा डिसेंट सा है। एंड एक हफ्ते के लिए प्रॉपर घर है आप कह सकते हो। बेस्ट पार्ट है जो मैंने आपको बताया कि नाश्ता वगैरह इनके तरफ से रहेगा सुबह, प्लस देखिए यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें भी हैं जो ये लोग रिफिल करते रहेंगे तो वो भी अच्छी बात है। मटर मसाला, हाँ, और फ्राइड राइस कर दो और चपाती। नान मिलेगा, चपाती नहीं। हाँ तो नान कर दो, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये भी है, वॉशर विद ड्रायर है कि नहीं वो देखना पड़ेगा, पर हाँ वॉशिंग मशीन भी है साथ में, बर्तन वगैरह भी, हाँ सारी कुछ होंगी जैसे हम दुबई में जैसे रहे थे ना, ये वैसा ही है। आप ऑन ऑर्डर भी चीज़ें मंगवा सकते हो। ये देखिए सारी कटलरीज वगैरह भी है, चाय कॉफ़ी वाली, तो ये सब तो सब रहता ही है। बाकी आपको कुछ अगर चाहिए स्पेशल तो वो लोग प्रोवाइड करवा देंगे। नाइस। हाँ यहाँ पे ये वाला है, आई थिंक दुबई में भी सेम ऐसा ही था, ठीक है, इसी पे जो कुक होगा होगा। पर बाकी मुझे बड़ा अच्छा लगा। और ये ओवरऑल जो अपार्टमेंट है ना ये भी बड़ा सुंदर है, इसमें स्विमिंग पूल है, इसमें रेस्टोरेंट है, मैंने देखा यहाँ पे एक सुपरमार्केट जैसा भी है, वो सब मैं आपको अभी दिन में दिखाऊंगी। अभी फिलहाल हम लोग खाना खाएंगे, रेस्ट करेंगे। इट वॉज अ लॉन्ग डे, है ना नीबू? डिड यू एन्जॉय योर फर्स्ट फ्लाइट? डिड यू एन्जॉय? अभी नीबू को सबसे पहले मैं क्लीनिंग करूंगी, कपड़े बदलूंगी, वाइप करूंगी, डायपर चेंज करूंगी, इसका फीड कराऊंगी, फिर तब तक हमारा खाना आ जाएगा। अंगद ऑर्डर कर ही रहा है। जीरा राइस यहाँ से कुछ नहीं है, फ्राइड राइस है। चलेगा चलेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि आने से पहले अंगद ने ऐप्स वगैरह डाउनलोड कर लिए थे, तो यहाँ का टैक्सी वाला ऐप जो है, यहाँ का फूड सर्विस ऐप जो है, वो सब तैयारी करके अंगद आया था, तो हमारा फटाफट सब कुछ बुक हो गया है ना नीबू? फटाफट इसको पहले सुलाएंगे अपने पास, फिर जब ये सो जाएगा तो देखते हैं यहाँ पे ट्रांसफर करके, अगर उसको सही लगता है तो ठीक है, अदरवाइज हमारे साथ ही सो लेगा, क्या करेंगे। क्योंकि ये जो है ये उतना ठीक नहीं लग रहा है मुझे, बहुत नीचे है, मतलब रात को उसको फीड के लिए भी मुझे उठाना पड़ेगा ना, तो बहुत झुकझुक के उठाना पड़ेगा, तो उतना कन्वीनियंट नहीं लग रहा है। लेट्स सी। क्लोजेट में देखिए एक एक्स्ट्रा क्विल्ट है, आयन है, आयन बोर्ड है, हेयर ड्रायर है, एक्स्ट्रा पिलोज हैं, तो इस वाले में तो सारी चीज़ें हैं। बाकी ये वाला जो है स्टोरेज के लिए है, तो इसमें भी हैंगर्स वगैरह दिया हुआ है। वाओ एक अम्ब्रेला भी है, यहाँ पे एक फुल साइज मिरर है। अम्ब्रेला की ज़रूरत बहुत पड़ती है सिंगापुर में, क्योंकि यहाँ बारिश कभी भी हो सकती है। यहाँ पे एक लॉकर भी है और देखिए लॉन्ड्री का भी सारा दिया हुआ है, एंड नीचे और एक्स्ट्रा पिलोज हैं, तो इसमें भी सब कुछ है। यहाँ पे मैं अपने कपड़े वगैरह जो हैं वो जमाऊंगी ताकि हमको सूटकेस के साथ सहारे ना जीना पड़े। देखती हूँ, है ना, करती हूँ, सब अरेंज करूंगी। पहले नीबू का काम होगा, सबसे पहले नीबू का काम होगा, नीबू सबसे पहले रेडी होगा, फिर कुछ और होगा, फिर कुछ और होगा। ठीक है, मैंने भी बिछा दिया ऐसे एक मैट्रेस किसी। माय गॉड, पिछले एक घंटे से यही लगा रखा है इसके। आ गया एक्सटेंशन, आ गया एक्स्ट्रा एक्सटेंशन, आ गया, इसको बहुत मजा आ रहा है। तो ना इसका मैंने यहाँ पे ऐसे नीचे कर दिया, क्योंकि क्या है ना, हाँ मजा आ रहा, मजा आ रहा। हाँ तो इधर एक लगा दिया तकिया, इधर लगा दिया एक तकिया, हाँ बहुत मजा आ रहा। क्योंकि हम लोग ना यहाँ पे अभी सब कुछ क्लीनिंग सेटअप वगैरह कर रहे हैं, नींबू कस्टलाइजर सेटअप कर रहे हैं, और अंगद ने एक्सटेंशन मंगवाया नीचे से ताकि वो अच्छे से वहाँ पे लग जाए, तो वो सब कर रहे हैं, तो ये अकेले यहाँ पे बैठ के क्या करेगा, तो इसीलिए इसको यहाँ लगा दिया ताकि हम लोग सब कुछ सेटअप करें। दिन भर के सारे बॉटल्स भी वॉश करने हैं, बहुत कुछ है। और नीव का डायपर देखिए हम लोग ने किस तरह से लेकर आए हैं, कुछ ऐसे फैला के रखने से क्या हुआ ना कि ईजिली आ पाया, वरना बहुत ही मोटा सा हो जाता। तो कुछ अंगद के बैग में, कुछ मेरे बैग में, कुछ नीव के बैग में ऐसे करके लाए हैं। अब इसका कैडी बैग भी अरेंज करना है ना, है ना, कैडी भी अरेंज करना है, पर पहले एक बार खाना वाना खा के ताकत आ जाए फिर अरेंज करेंगे। ठीक है, ठीक है,
तब तक तुम यहाँ पे लेटो। ये मस्त हो गया नहीं अंगद, हम लोग काम वाम करते रहेंगे, अपना खेलता रहेगा यहाँ पे, नो टेंशन एट ऑल। यू एंजॉइंग? यस एंजॉइंग। देखिए ये इवेंट वाला ना मैं लेकर आई हूँ, क्योंकि स्टरलाइज करने का इससे आसान और इससे जल्दी कुछ नहीं होता। लेकिन मैंने क्या किया ना, ऊपर वाला लेकर नहीं आई, लेकिन इसमें दो सेक्शन आते हैं ना, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला, तो वो नहीं कैरी किया है क्योंकि स्पेस लेगा ना, तो इसमें ही हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये धरी हो जाएगा और कुछ कुछ जो मैगी और कुछ केक वगैरह लेकर आए वो अंगद ने जगह पे लगा भी दिया, तो इसको एक्सटेंशन लगाई क्योंकि यहाँ पे है एक्चुअली, तो यहाँ से एक्सटेंशन लेकर साइड में करेंगे। कन्वर्टर वगैरह तो सब कुछ है, तो कोई टेंशन नहीं है। अब देखते हैं ऑन हो जाए बस तो काम बन जाए। और इसमें मैं लेकर आई थी ना, मैंने आपको दिखाया था वीडियो में, तो बड़ा पैकेट भी लेकर आई हूँ और ऐसे वॉश बॉटल अलग से भर के लाई हूँ, ताकि दिन भर हम ये कैरी करें और जहाँ भी घूमने जाए वहाँ वॉश करना हो तो इससे वॉश करें, और बड़ा जो पैकेट लाई हूँ वो यहाँ पे रखेंगे। अब देखना है कि ऑन हुआ कि नहीं, फिलहाल तो नहीं हुआ है, लेट्स सी। क्या बोला उसने, खराब है ऐसा बोला क्या उसने? ना ना, तो बोला कि जो यूजुअल जो स्टैंडर्ड वाला होता है ना स्पाइक बस्टर, मतलब चार पांच प्लग्स होते हैं वैसा वाला हम लोग देते हैं, बट इट्स आउट ऑफ स्टॉक, तो इससे अगर आप काम चला। बाबा रे बाबा, इसको देखिए, माय गॉड, हो गया वर्क्ड, ये डन। चलो हमारा ये सेटअप, ये मेन सेटअप है भाई हमारा, ये हो गया, अब टेंशन नहीं है हम लोगों को, अब कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। सबसे पहले नीव का कपड़ा वगैरह बदल दिया, उसको फ्रेश कर दिया बिल्कुल। अभी अंगद और नीव गए नीचे, तो जो खाना ऑर्डर किया था ना वो खाना वाला बंदा आ गया, डिलीवरी वाला, तो मैंने कहा इसको भी लेकर जाओ और घुमाओ, उसको बड़ा मजा आ रहा है, वैसे भी सो के उठा ना फ्रेश फ्रेश है। तो अभी सबसे पहले नीव का काम किया, अब मुझे चेंज करना है, अंगद ने भी चेंज कर लिया, फिर हम लोग खाना खाएंगे। आज के दिन का ना टेंशन था, मेनली टेंशन जो था वो आज के दिन का ही था, मतलब आना और यहां से जाना ही वाला जो पार्ट है ना वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट और चैलेंजिंग लग रहा था। पता था मैनेजेबल है, पर फिर भी बच्चा है साथ में तो पता नहीं, तो उसका टेंशन था कि नीव कैसे रहेगा, उसका फ्री टाइम कैसे मैनेज होगा, वो फ्लाइट में सोएगा नहीं सोएगा, उसका कान ना बंद हो जाए, क्या करेंगे, कैसे मन लगाएंगे उसका, क्योंकि 4.5 घंटे की फ्लाइट थी, तो वो कैसे होगा, है ना, ओवरऑल यहाँ पे एयरपोर्ट आने के बाद में सब कुछ अच्छे से होगा कि नहीं। अब तो क्या, देखिए 6-7 दिन रहना है, बस घूमना है, तो वो तो मैनेजेबल है, पर आज का टेंशन था। पर बड़ा तछूट अच्छे से जैसा हमने सोचा था वैसे निकला, वो अपने टाइम पे सोया, अपने टाइम पे उसने पिया मिल्क, उसके बाद उसने एंजॉय किया, चीजें देखी, इनफैक्ट ज्यादा ही एंजॉय कर लिया, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही, सब कुछ देख करके एकदम मजा कर रहा था वो, तो वो बड़ा अच्छा लगा। आज के लिए मैं व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ।